हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके मौज मस्ती चैनल पर मैं पीके श्रीवास्तव आप लोगों के यूट्यूब चैनल की ओर से सुस्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, तो आज का सेशन होने वाला है पर्यावरण। पर्यावरण जो NCERT से निचोड़ आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर कीजिएगा। जैसे आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चींटियां एक ही कतार में क्यों चलती रहती है। जी हाँ, इसी तरह का आप लोग जो है ना देखते होंगे चींटियाँ को, एक ही लाइन से वो चलता रहता है। आखिर क्या वजह है जो सब एक ही लाइन से चलता रहता है। इसका मेन रीज़न होता है दोस्तों कि चींटी के एक ही लाइन के चलने का जो मेन रीज़न है वो क्या है। चींटी एक ही कतार में इसलिए चलता है कि जो चींटी का जो है ना शरीर से एक प्रकार की सुगंध निकलती है और वो सुगंध से जो है ना एक दूसरे के पीछे वो सब चलती रहती है, इसीलिए वो कतार लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए मच्छर के बारे में। मच्छर देखिए क्या कह रहा है कि मच्छर अंधेरे में इंसान को कैसे ढूंढ लेता है। जी हाँ, आप अंधेरे में कहीं भी बैठे रहिएगा तो आपको मच्छर ढूंढ लेता है। आखिर क्या वजह है जो आपको मच्छर ढूंढ लेता है कहीं भी बैठे रहते हैं तो। देखिए इसका भी रीज़न कुछ बनता है दोस्तों। रीज़न ये बनता है कि आपका जो तलवे यानी पैर के नीचे जो तलवा है उस तलवे से जो सुगंध निकलता है उससे जो इन लोगों को जब सुगंध लगता है तो आपके पास दौड़ते ही वो ढूंढ के आ जाता है। दूसरा, जो मनुष्य के शरीर से जो गर्मी की जो दुर्गंध निकलती है वो भी जो है ना उसको सुगंध से मनुष्य तक ये आसानी से पहुंच जाता है और मनुष्य को परेशान करने लगता है, इसी तरह से वो कांटा चुभाना लगता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए क्या खड़ा है दोस्तों इसमें कि सांप को बाहरी कान नहीं होता फिर भी कैसे सुन लेता है। जी हाँ, देखिए सांप को जो है बाहरी तो कान नहीं होता है लेकिन फिर भी जो है वो आदमी के अपने करीब आने से कैसे पता चल जाता है कि आदमी मेरे करीब आ रहा है। तो दोस्तों इसका भी रीज़न ये होता है कि सांप का जो है वो कान नहीं होता, उसका जो जमीन का जो वाइब्रेशन होता है, जो जमीन का जो कंपन होता है ना इंसान जब चलता है तो वो जो कंपन करते हैं जमीन तो उससे जो है ना इसका बॉडी जो है ना जो है फील करते हैं और फील करते हैं ये तो सांप का जो है ना मालूम पड़ जाता है कि कोई मेरे करीब आ रहा है। इस तरह से जो है सांप को कान नहीं होने के बावजूद ये सुन लेता है और ये महसूस कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए दोस्तों कि इंसान से 6 गुना देखने वाली जानवर कौन सा है। दोस्तों इंसान से 6 गुना दूर तक देखने वाली जो है ना दोस्तों ये क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, इसका जो है आंसर हो जाएगा ये चीता। सॉरी चीता नहीं, बाघ। जी हाँ, ये बाघ जो है ना इसका सही ऑप्शन बाघ। देखिए ये बाघ क्या है दोस्तों कि ये जो है ना कई दूर तक जो है ना देख सकता है। और पहला बात, दूसरा बात ये है कि ये जो है ना दोस्तों जब एक बार दहाड़ता है ना जंगल में तो 6 किलोमीटर तक इसका आवाज़ जो है ना सुनाई देता है, इसीलिए जो है ये इंसान से 6 गुना देखने वाली और जो है ना आवाज़ भी इतना इसका तगड़ा होता है ना दोस्तों। एक बार दहाड़ देना तो समझो जो 6 किलोमीटर तक दूर जो है ना इसका आवाज़ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आवाज़ जो है ना दोस्तों 6 किलोमीटर तक जाता है। अब प्लस में क्या होता है दोस्तों, अगर कहीं झाड़ी में जो पत्ता उत्ता हिलता रहता है ना तो ये जो है ना महसूस कर लेता है कहीं कोई शिकार तो नहीं आया हुआ है या फिर हवा के वजह से पत्ता या वृक्ष हिल रहा है, ये सब महसूस ये कर लेता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए दोस्तों आपके सामने है, खराब भालू जैसा दिखता है, यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा सर लटकाए होते हैं, ठीक है क्या है दोस्तों। देखिए ये पिक्चर आपको दिखता होगा, ये क्या है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों इसका नाम जो है ना स्लेथ है। स्लेथ तो है, ये क्या है दोस्तों, भालू की तरह दिखता है और ये पेड़ पे जो है ना हमेशा चिपका रहता है। ये मलमूत्र के लिए सिर्फ जो है ना नीचे आता है और मलमूत्र करने के बाद हमेशा वो पेड़ पे चिपकता, इसी तरह जो है लटका हुआ रहता है, इसी तरह भी सोता भी है ये दोस्तों। और इसके बाद जो है ना दोस्तों इसके सोने के बाद जो है ना ये क्या करता है, खाना उना जो इसी पत्ती से जो है ना वो जो है खाना उना खाते हैं। और खाना उना जब ये पत्ता ख़त्म हो जाता है तो पत्ता ख़त्म होने के बाद दूसरे वृक्ष पे जो है ना ये
चले जाते हैं। और ये जो है लगभग 40 बरस तक जो है ना इसका जीवित एज है, और जो है ना 40 बरस में जो है ये टोटल जो है ना 8 वृक्ष का जो है ना भोजन कर लेता है। चलिए सीटेट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट के लिए दोस्तों ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, हमारे देश में कितने प्रकार की जहरीले सांप पाया जाता है। जी हाँ, हमारे देश में इंडिया में जो है कितने प्रकार की जहरीला सांप पाया जाता है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक में 4 प्रकार, बी में जो है आपको 6 प्रकार, और सी में 5 प्रकार, और डी में 10 प्रकार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है ये करेक्ट आंसर 4 प्रकार के होगा। 4 प्रकार के जो है ना अपना इंडिया में जो जहरीला सांप पाया जाता है वो देखिए कौन कौन सा है। तो पहला जो है देखिए दोस्तों, पहला है आपको ये नाग जो बहुत भयंकर जहरीला होता है, दूसरा होता है करेत। जी हाँ, ये भी जो है तो अगर किसी इंसान को जब डस लेता है ना तो समझो उसका लास्ट फॉर्म है। इसके बाद है दुबैया, ये भी जो है ना भयंकर जो जहरीला सांप होता है। और चौथा होता है दोस्तों अफई, अफई ये भी जो है ना बहुत भयंकर जो है जहरीला सांप होता है। तो ये 4 प्रकार का अपना इंडिया में जो है दोस्तों सांप पाया जाता है जो जहरीला है, भयंकर जहरीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, सीरम क्या है। हाँ दोस्तों, सीरम क्या है, सीरम एक प्रकार के जहर से बनाया हुआ दवाई है। जब कोई भी इंसान को सांप जहरीला सांप काटता है तो काटने के बाद जब उसके शरीर में जो है ना जहर फैल जाता है दोस्तों, तो फैलने के बाद उसको जहर का भी जो है ना इंजेक्शन उसके शरीर में दिया जाता ताकि दोनों कंप्रोमाइज से वो फट सके और इंसान बच जाए। तो ये जो है सीरम, अगर आपसे पूछ दे सीटेट पेपर 2 में या फिर 1 में कि सीरम क्या होता है, तो आपको बताना है कि सीरम जो है एक प्रकार का जो है जहर, सांपों के जहर से निकाला हुआ जहर का एक सुई होता है जो इंसान को काटने पर जो है वो दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए दोस्तों, सांप के मुंह में 2 खोखले दांत होते हैं, क्यों होते हैं। ये देखिए, ये जो आपको दिखता होगा दोस्तों और नीचे भी होगा, इसी तरह से नीचे भी रहता, आखिर क्यों होता है ये खोखला दांत। तो देखिए दोस्तों, ये खोखला दांत इसलिए होता है जब कोई इंसान को ये काटता है ना, तो काटने के साथ साथ जो है ना उसका जीभ में जो है ना वो जहरीला रहता है, उसका जीभ में जो है जहर भला रहता है। देखिए यहाँ पर मैं लिख भी दिया कि जीभ निकालने के लिए होते हैं और जहर छोड़ने के लिए होते हैं। वो जीभ से जो है ना कोई भी इंसान को जब काटता है ना दोस्तों, तो वो जीभ से जो है ना उस इंसान में जहर छोड़ देता है। इसीलिए 2 खोखले दांत सांप का जो है ना 2 ऊपर 2 नीचे खोखले दांत इसीलिए होते हैं। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता होगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर भेजिएगा, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, लाल मिर्ची को किस देश के व्यापारी ने दक्षिण अमरीका से भारत लाया था। लाल मिर्ची चाहिए, आप फिगर में देखते होंगे दोस्तों, लाल मिर्ची, ये लाल मिर्ची के जो है ना दक्षिण अफ्रीका से भारत कौन लाया था दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है ना इसको कौन लाया था दोस्तों, ये जो है ना पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा, पुर्तगाल। जी हाँ, पुर्तगाल जो है ना लाल मिर्ची को जो है ना दक्षिण अमरीका से जो है दोस्तों, दक्षिण अमरीका से जो है ना इसको लाया गया था इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए दोस्तों, भिंडी किस देश से भारत लाया गया था। भिंडी जो है दोस्तों किस देश से जो है ना भारत लाया गया था, तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। ये नया चौधरी वेरी गुड आंसर आप दे रहे हैं। राहुल वर्मा जी बहुत बहुत अच्छा जी, अभिषेक जी बहुत बहुत अच्छा, आप हरियाणा से, वेरी गुड, ठीक है, अच्छा इस पढ़ाई करो जी। भुवनेश्वर जी बहुत बहुत अच्छा। चलिए ये जो है ना भिंडी किस देश से लाया गया था दोस्तों, यहाँ पर जो है इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ये अफ्रीका से जो है भिंडी लाया गया था दोस्तों, इंडिया। चलिए इसके बाद जो है यहाँ आने के बाद धीरे धीरे इंडिया वासियों को जब पता चला तो यहाँ पर जो है ना खुद इंडिया में ये उपज होने लगा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जी हाँ, गोभी और मटर किस देश से भारत लाई गई थी। गोभी और मटर ये सब पहले अपना इंडिया में किसी को जानकारी नहीं था,
इसलिए पहले नहीं मिलता था, तो अदर कंट्री से जो है ना इंडिया में आते थे। तो गोभी और मटर किस देश से भारत लाया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूरोप से। जी हाँ, यूरोप से जो है ना गोभी और मटर लाया गया था। बाद में जब इंडिया वासियों को पता हुआ कि इस तरह से जो है ना ये सब चीज़ को उपजाया जाता है, तो बाद में अपना इंडिया में भी जो है अब धीरे धीरे होने लगा, यानी भरपूर मात्रा में अब हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सोयाबीन किस देश से भारत लाया गया था दोस्तों? जी हाँ, सोयाबीन जो है किस देश से भारत लाया गया था? यह सब पहले अपना इंडिया में नहीं था दोस्तों, अदर कंट्री से इंडिया आता था माल सप्लाई के लिए। तो सोयाबीन जो है दोस्तों, सोयाबीन लाया गया था आपको जहाँ अभी जो है कोरोना वायरस का जो प्रचलित जिस देश से हुआ था, वो कौन सा देश है? चीन। जी हाँ, चीन देश से जो है ना सोयाबीन का जो है व्यापार होता था, लेकिन अब अपना इंडिया में भी जो है भारी मात्रा में होने लगा। तो बस आज इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे और वीडियो कैसा लगे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी बात कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीके मौज मस्ती सदस्य को दीजिए इजाज़त, बाकी बात कल फिर मिलते हैं। ओके बाय।